स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 ये सीजन 2 एंड होने के कुछ महीनों बाद से स्टार्ट होता है। तो दिखाया जा रहा है कि हॉकिंस शहर में एक नया स्टार कोर्ट मॉल ओपन होता है जो फोकल पॉइंट बन जाता है इस टाउन के लिए। इस मॉल के वजह से कई सारे बिजनेसेस भी ठप पड़ चुके हैं। फिर इस सीजन का जो मेन कैरेक्टर्स है वो भी थोड़े से बड़े हो चुके हैं। माइक और इलेवन का रिलेशनशिप, जॉयस अपने बच्चों के साथ शिफ्ट होना चाहती है दूसरे शहर में उनके अच्छे लाइफ के लिए। फिर जिम होपर को भी जॉयस की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाता है, वो भी कुछ फील करता है जॉयस के लिए। डस्टिन भी घूमने जाता है वेकेशंस पे, फिर आके वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसका भी एक गर्लफ्रेंड है। माइक और लुकास ज्यादातर टाइम अपने गर्लफ्रेंड को दे रहे थे तो इसी वजह से विल को थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा था। नैन्सी और जोनाथन का भी रिलेशनशिप बहुत आगे बढ़ चुका है। स्टीव स्टारकोट मॉल में एक आइसक्रीम पार्लर में काम करता है। डस्टिन अपने दोस्तों को शहर से थोड़ा दूर ले जाता है उसकी गर्लफ्रेंड से बात करवाने के लिए एक रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए, और उसका फ्रिक्वेंसी एक रशियन बेस पे कनेक्ट हो जाता है। विल को ये महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ होने वाला है शायद। एक रशियन एंगल भी डाला है इस सीजन में और वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टोरी के बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा वरना वो स्पॉयलर हो जाएगा। तो स्टोरी और स्क्रीन प्ले बहुत ही टाइट है, कहीं पर भी बोर फील नहीं होता है। VFX, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है। डफर ब्रदर्स ने ये जो दुनिया बनाया है वो बहुत ही काबिलियत तारीफ है। इस सीजन में एक एक कैरेक्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो छोटे छोटे कैरेक्टर्स ही क्यों ना हो। मूरे बाउमैन ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा फनी है। लुकास का बहन एरिका ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। बिली को माइंड प्लेयर कंट्रोल कर लेता है और उससे अपना काम निकलवाता है। जिम होपर और एल दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से दिखाया है, एक फादर और एक बेटी के रिलेशन। माइंड फ्लेयर जिसे हम पहले सीजन्स में बस एक परछाई की तरह देखते थे, इस सीजन में उसे एक फिजिकल मॉन्स्टर दिखाया है। इस सीजन में भी वही पहले वाला टेम्पलेट फॉलो होता है कि कुछ कैरेक्टर्स अलग अलग जगह पे है और वो लोग खुद से ही इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं और एंड होते होते वो लोग एक साथ आके लड़ते हैं उस मॉन्स्टर से। पर वो चीज़ कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, वो चीज़ मुझे अच्छा लगा और करता भी है। कई कई सीन्स में बहुत सारे ह्यूमर्स भी है। मूरे बाउमैन उसने तो नेल कर दिया अपने कैरेक्टर को। इस सीजन में सबसे बुरा मुझे स्टीव के लिए लगा, यार इस बंदे को बस खुशी मिलती ही है कि फिर से छीन जाता है वो चीज उससे। इस सीजन में स्टीव और डस्टिन इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से दिखाया है, उनका ब्रोमांस देखने में बहुत मजा आ रहा था। बिली के कैरेक्टर को भी बहुत ही अच्छे से जस्टिस किया है। पहले तो हमें वो कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बट सीजन के एंड होते होते यही कैरेक्टर हमें बहुत ही इमोशनल कर देता है। बस एक ही चीज क्लेरिफाई नहीं किया कि रशियंस इतने जल्दी आके वो पेस कैसे बना लेता है। एक रशियन एजेंट होता है जो बिल्कुल टर्मिनेटर की तरह दिखता है। इस सीरीज का जो थ्रिल, ड्रामा, एक्शन है वो सब कुछ वर्क करता है और मुझे अच्छा लगा। बीच बीच में थोड़ा बहुत ह्यूमर भी है। चूहे और इंसान फटके जब वो मॉन्स्टर का रूप ले लेता है, वो मॉन्स्टर बहुत ही घिनौना था दिखने में। और एंड में जिम होपर का जो डायलॉग होता है, डोंट फॉरगेट टू लीव द डोर ओपन 3 inches, उस सीन में मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। इस सीरीज का सबसे प्लस पॉइंट है इसका इमोशंस। एक एक कैरेक्टर्स का इमोशंस बहुत ही बखूबी से दिखाया है और हम तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं उन कैरेक्टर्स से। एक सीन में स्टीव और नैन्सी को माइंड फ्लेयर भगा रहा था। ऊपर जॉयस और मुरे ये तीनों उस रशियन बेस पे होते हैं जिन्हें प्लेइंग कॉन्स्टेंट का कोड चाहिए था एक की को निकालने के लिए, और वो कोड डस्टिन के गर्लफ्रेंड सूजी को पता है। और डस्टिन फ्रीक्वेंसी चेंज करके सूजी को कॉन्टेक्ट करता है और सूजी डस्टिन को कहता है कि वो गाना गाने के लिए जब वो पहले बार मिले थे तभी जाके वो प्लेइंग कॉन्स्टेंट का कोड बताएगा। और वो सीन भाई साहब क्या फनी था। जरा सोच के देखिए, आपको एक कोड चाहिए एक की निकालने के लिए, आपके दोस्त के पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ है और आपका दूसरा दोस्त उसके गर्लफ्रेंड के साथ गाना गा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके गर्लफ्रेंड को वो कोड पता है। क्या सिचुएशन हो सकता है वो, सोच के देखिए जरा। इलेवन जब माइंड फ्लेयर के साथ लड़ता है वो सीन तो एकदम मनी शॉट था। ओवरऑल मुझे ये सीरीज बहुत ही पसंद आया और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जरूर देखिए। सीजन 4 का रिव्यू मैं अगले वीडियो में करूंगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।